आइए हम सब लोग उसी स्थान पर चलते हैं जहां हम लोगों ने कल अपने लाला का जन्मोत्सव मनाया था। मथुरा में जन्म लिया। अब आपको मालूम है कि कैसी परिस्थिति में जन्म लिया। कई लोग होते हैं जन्म तो बाहर लेते हैं और अपने कारणों से जेल में चले जाते हैं, लेकिन कन्हैया जन्मे जेल में जन्मे और जन्म जैसे ही जन्मे और वसुदेव जी ने सर में रखा वैसे ही बंधन टूट गए। और ये है लेकर के गोकुल के लिए चले गए और गोकुल में नंदरानी के बगल में लेती हुई कन्या को लेकर के और इधर कन्या को आकर के दिया कारागर में जैसे पहुंचे हथकड़ियाँ पड़ गईं, बेड़ियाँ पड़ गईं। अर्थात हमें कथा ये उपदेश देती है कि भगवान को अपने साथ में रखोगे तो बंधन टूट जाएंगे और माया को साथ में रखोगे तो बंधन में जकड़ जाओगे। कंस को मालूम हुआ कि मेरा काम पैदा हो गया। कंस भयभीत था, कन्या को हाथ में लिया और ज्यों ही पत्थर पर पटकने का प्रयास किया हाथ से छूट करके आकाश में आया। अरे दुष्ट तेरा तो काम पैदा हो गया। इधर गोकुल में नंद बाबा की दो बहनें थी, एक दिन से नहीं 6 महीने से डेरा डालते थे। इतनी उम्र में भाई के कुछ होगा तो हमें कुछ जरूर मिलेगा। मालूम हुआ कि नंदरानी के नाना पैदा हुआ है। अब किसी की हिम्मत नहीं कर रही कि दुपट्टा खोल करके देखें। देखा तो सुनंदा भागती भागती बाबा के पास और बाबा गौशाला में माला टाल रहे हैं। अभी भयो कि नहीं भय, अभी भयो कि नहीं भय। सुनंदा ने कहा बाबा बाबा, बोले क्या हुआ बोल तो सही। कई बार आदमी खुशी में अपनी बात नहीं कह पाता। बोले लाला हुआ लाला। और यहाँ सुनते ही पूरे ब्रज में चर्चा है। बाबा ने जैसे सुना मेरे लाला हुआ है, उदार हो गए, दौड़ परे बांटने लगे। अब आपको एक और बात बता दो, नंद बाबा ने गौशाला में ही बड़ी पगड़ी बांधी और पगड़ी कैसी बांधी कि मानो अभी बारात के लिए जाने वाले हैं, दूल्हा बन गए। बड़ा मोटा मोटा काजल लगाया और नंद भवन में पहुंचे। देखिए जब परमात्मा देना चाहता है तो हमारे यहाँ कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, देता है कि नहीं, और नहीं देना चाहता तो लिया भी छीन लेता है। तो रहीम दास जी, लोग कहते हैं रहीम कौन थे, रहीम वो थे जो कृष्ण के भक्त थे। ब्रज में जब वो गए तो लोगों ने पूछा कि क्या करने आए हो। कहो रहीम किस लिए आए हो, तो बोले जिस रज रिस मुन पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। बधाई कहाँ बज रही गोकुल में और पैदा कहाँ हुए हैं। क्या ले
में जब आनंद आता है तो खुशी से लोग लुटाने लगते हैं। आनंद भाई लाना नहीं हुआ, कौन हुआ है? पूरा ब्रजमंडल नंद भवन में बधाइयां देने के लिए जा रहा है। जब बधाई चल रही थी ना तो जो सुनता वही बधाई देने चले आता है, लेकिन नंद बाबा का सेवक था वो भी, उसको भी मालूम हुआ कि आज बढ़िया मौका, जब उत्सव होता है ना तो फिर सारे लोग बधाई लेने आ जाते हैं, देने भी आते हैं। मैं तो नारी बन के आयो
मैया ने शादी के समय का लहंगा चुन्नी निकाला, अब गड़बड़ क्या कर लिया, ओठ के लगे जगह लगाने वाला आंख में लगा लिया और आंख में लगाने वाला ओठ में लगा लिया। आज पूरी सजधज के पहुंची है और आंगन में बोल रही खड़े होकर के क्या हुआ है। अब जैसे मुंह फैलाया ना, वैसे ही एक ग्वाला ने उठाया मक्खन का गोला मुंह के मैया के मुंह में मारा और वो मारते ही अंदर चला गया। बुढ़िया कहती क्या भयो, अरे मैया इतना बड़ा मक्खन का लोदा खा गई और पता भी चला क्या भयो, इनके घर में नाला हुआ है। आज नंद भवन में बधाइयां चल रही हैं और उधर जिस दिन कंस के हाथ से छूट करके कन्या गई थी आकाशवाणी हो गई थी, कंस पूरी पंचायत बुलाई, सारे मित्रों को बुलाया, आपातकाल मीटिंग बैठे। जब कोई घटना घटने वाली होती है तो आपातकाल बैठक बुलाई जाए, बैठक बुलाई। बोला मेरा काल तो पैदा हो गया, कौन इसको ढूंढेगा। किसी ने कहा हम जाएंगे, किसी ने कहा हम जाएंगे। उसी बीच में पूतना आ गई, अरे कोई नहीं पकड़ के, कोई भी ढूंढ के नहीं ला पाएगा, मैं जाऊंगा। और पूतना क्या है, वासना है। ये वासना हमारे को परमात्मा से दूर करती है। मैंने आपको एक दिन बताया था, वासना के आगे उप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उपासना हो जाएगा। ये पूतना, संत बहुत व्याख्या करते हैं कि पूतना कौन है, इसके पुत्र नहीं, नहीं ये हमारी वासना है। अब बढ़िया, कंस ने कहा कैसे जाओगी, तुम्हारा तो विकराल रूप है, वहां तो बहुत सुंदर लोग देवियां अच्छी अच्छी होंगी, तुम कैसे पहुंचोगी। बोले मैं भी बना लूंगी। अब गई सुंदर सा भेष बना करके, बहुत सुंदर भेष बनाया। नंद भवन में जैसे पहुंची तो यशोदा मैया को लगा तो कोई ब्राह्मण देवता की पत्नी होगी, कौन है मैया। बोली लाला को आशीर्वाद देने आए हैं। और इधर हुआ, जब भी कोई कार्य करते हैं राजा को कर देना पड़ता है। नंद बाबा ने कहा तुम इधर उत्सव मनाओ और मैं जाता हूँ राजा को कर देने के लिए।